आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका नाम है रेपजिल ओ सस्पेंशन, जो कि सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। तथा इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर रेपजिल ओ सस्पेंशन सिप्रोजिल 250 mg डाला गया है। तथा इसका MRP की बात करें तो ये 30 ml में आता है, 276 इसका MRP रहता है। तो रेपजिल ओ सस्पेंशन डॉक्टर के द्वारा कब रिकमेंडेड किया जाता है तथा इसको कब तक लेना चाहिए तथा ये इसका क्या साइड डोज है और इसको लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो रेपजिल ओ सस्पेंशन के अंदर सिप्रोजिल 250 mg डाला गया है, जो कि यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तथा रेपजिल ओ सस्पेंशन जो कि यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ये एक एंटी बैक्टीरियल सिरप है, जिस जो अगर आप खुद से दे रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं दे रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं कि आपके बच्चे की स्किन पर रशेस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोजिया हो सकता है उसको, स्टोमक पेन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है अगर आप डॉक्टर की सलाह से नहीं यूज़ कर रहे तो। अगर आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर रहे हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सेफ है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और पीडियाट्रिक डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। तथा इसका डोज कैसे करना है कि जब भी ये मेडिसिन ले तो डॉक्टर की सलाह से ही ले और डॉक्टर जितना बोले उतना ही डोज ले। तथा जब भी इसको बच्चों को पिलाए तो इसके लेबल को केयरफुली रीड कर दे तथा इसको सेकवेल कर दे तथा इसको विद फूड या विदाउट फूड दे, तब बच्चे के पेट में थोड़ा खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गैस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तब दे इसको। तो रेपजिल ओ सस्पेंशन जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है तथा ये सिम्टम को इम्प्रूव करता है तथा आपको ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तथा इसको लिया जाता है खाना खाने के बाद ही, ताकि स्टोमक में अपसेट एंड डाउन नहीं हो। तथा इस सिरप के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।